हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा किचन में सबका स्वागत है। और आज बहुत ही अच्छा रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग से शेयर करने के लिए। और आज मैं बनाऊंगी अंडे करी। तो चलिए गाइज, अंडे करी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो देखिए गाइज, कढ़ाई में दिया हूँ ऑयल और अभी दे दूंगी थोड़ा सा हल्दी। अंडे फ्राई हो गए, निकाल लूंगी। देखिए अंडे फ्राई करके निकाल लिया हूँ। अंडे फ्राई करके जो ऑयल बचे थे उसमें और थोड़ा ऑयल दिया हूँ और 3 तेज पत्ता दिया हूँ। तेज पत्ते फ्राई हो गए, प्याज दे दूंगी। 3 मीडियम साइज की प्याज है इसमें। नमक दे दूंगी, प्याज जल्दी पकने। प्याज गोल्डन फ्राई हो गए। अदरक और लहसुन की पेस्ट 1.5 चम्मच दिया हूँ, बड़ा चम्मच है। मसाला फ्राई हो गए, थोड़े पानी दे दूंगी। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टमाटर दे दूंगी। 2 टमाटर कट कर लिया हूँ। अंडे में मैगी मसाला देने में इसको स्वाद बहुत अच्छा आता है गाइज। ये ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। अंडे दे दूंगी। देखिए गाइज, 3 अंडे को मैं 2 टुकड़ा कर लिया बीच में से काट के और बाकी सबूत रख लिया। ये काट के देने में जो अंदर ये येलो वाले है ये थोड़ा सा तोड़ तोड़ के ऐसे देना है तो जो ग्रेवी बनेगी इसको स्वाद बहुत अच्छा आती है। इसमें थोड़ी सी पानी दे दूंगी। देखिए इतना पानी जो अंडे फ्राई करके रखे थे उसी में ही डाल के थोड़ी सी पानी दिया हूँ। ऊपर 2 हरी मिर्च दे दूंगी, खुशबू आएगी। अच्छा गरम मसाला पाउडर दे दूंगी। अंडे करी रेडी हो गए। थोड़ा धनिया दे दूंगी, ऊपर चूल्हे बंद कर दूंगी और इसको थोड़ा मिला दूंगी। तो गाइज ये रेडी हो गया, दूसरी बर्तन में पलट लूंगी। गाइज अंडा करी हो गए, दूसरी बर्तन में पलट लूंगी। तो गाइज देखिए, अंडा करी बन के बिल्कुल रेडी है। और आज का रेसिपी कैसे लगा आप लोग हमें कमेंट पे बताइए। और जो हमारे चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट पे बताइए कैसे लगा। और मिलते हैं ऐसे ही कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।